स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेंसी जयगवार में आप सभी भाइयों का दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिग बैस लीग 2023 के फोर्थ मैच के बारे में जो कि आप देख पाओगे पर्थ स्कोचर्स और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच खेला जाएगा ये मैच दोपहर को एक बज के मिनट पर स्टार्ट होगा एक बजे टोस्ट टाइम रहेगा 45 मिनट हमें टीम एडिट करने के लिए टाइम मिलेगा ठीक है वेन्यू जो रहेगा वो जेगा जिलोंग स्टेडियम विक्टोरिया से यह मैच आपको लाइव देखने को मिल जाएगा दोस्तों अभी तक तीन मैच में से दो मैच खेले गए हैं दोनों मैच में क्लीन स्वीप दिया ठीक है और क्या आपको एनालिसिस टिप्स दिया मैंने ठीक है पूरा मेगा लीग वाला जिसका अच्छा कॉम्बिनेशन बना वो बढ़िया विन किया मैं दोनों मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप विन किया हूँ ठीक है और आप लोगों को भी मिनी जी का बढ़िया से बढ़िया जो टीम था वो पोस्ट किया बाकी आपको अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन में बस रोटेट करना था इस मैच का फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कमेंट्स सेक्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और देखो लाइव सेशन भी आएगा इसका उसमें कुछ अलग से टिप्स दूंगा जो आपको टीम बनाने में और हेल्प करेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और लाइव सेशन लिया करो वहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन ठीक है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ उसके बाद में इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अब चलते हैं पिच रिपोर्ट पर लो स्कोरिंग वेन्यू है दोस्तों अब देखते हैं आज के मैच में क्या देखने को मिलता है बाकी ओवरऑल यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच ही देखने को मिला है ठीक है वन एक बार स्कोर यहाँ पर गया था बाकी ओवरऑल आप देखोगे ना तो 150 के आसपास रहता है 130, 150 बस ठीक है न्यू बॉल स्पेशलिस्ट एंड डेप्थ बॉलर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे अब न्यू बॉलर स्पेशलिस्ट कौन है जो शुरुआत में बॉलिंग करेंगे ठीक है जैसे बैंड्रोव हो गया टॉम रोजर्स हो गया डेप्थ में डेप्थ में करते हैं हमारे केन रिचर्डेशन उसके साथ में एंड्रोटाई उसके साथ में टॉम रोजर्स ठीक है बैंड्रोव सिर्फ पावर प्ले में डालता है टेकिंग बॉलर है तो दोनों साइड यहाँ पर विकेट जाते हैं दोस्तों एवरेज स्कोर एक सौ चालीस एक सौ पचास के बीच रहता है ठीक है वेदर देखो वेदर अभी तक तो देखो क्लियर है पूरा एकदम मौसम अच्छा है ठीक है टीम न्यूज क्यूंटन डिको अवेलेबल है आज के मैच के लिए मिशेल मिशेल मार्स और एस्टेन एगर अवेलेबल नहीं है नेशनल ड्यूटी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं लास्ट दो सीजन बिग बैस में अब देखो एंड्रोड आए सोलह मैचों में चौबीस विकेट बॉलिंग फर्स्ट में चौदह पॉइंट छः किस टारगेट से नकल बॉल स्पेशलिस्ट है बॉलिंग सेकंड में 16 मैचों में 27 विकेट स्टागरेट बारह पॉइंट चाहिए का दोनों इनिंग्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है टॉय जोरी चेडरसन चार इनिंग में आठ विकेट स्ट्राइक रेट बारह का बॉलिंग फर्स्ट में सेकंड बॉलिंग में दस का दस पॉइंट चार का ग्यारह विकेट ठीक है माफिया की फेवरेट टीम है दोस्तों जैसे हमारे मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स हो वहाँ पर सिडनी सिक्सर और पर्थ स्कोर है तो यह टीम फेवरेट रही है हमेशा से ठीक है और काफी बार भी जीता रहा है बेंड्रोप, तेरह मैचों में बीस विकेट पंद्रह पॉइंट छः की स्टायरेट से बॉलिंग फर्स्ट में चौदह मैचों में सत्रह विकेट पंद्रह पॉइंट आठ की टाइड से सत्रह विकेट निकाल लिया। मैथ्यू के लिए सात मैचों में तेरह विकेट बॉलिंग सेकेंड में सात मैचों में बारह विकेट ठीक है इंपॉर्टेंट बॉलर हैं सारे कैन की बात कर लेते हैं तेरह मैचों में तेईस विकेट निकाले हैं बॉलिंग फर्स्ट में नौ मैचों में आठ विकेट है का इतना खास नहीं है बॉलिंग सेकंड में ओवरऑल आप देख लीजिए यहाँ पे पर बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है सी सीबीसी अलर्ट समरी में जो रिचर्डर्सन एंड्रोटाइक केन रिचर्डसन फिर आप बॉलिंग फर्स्ट में बना सकते हो टॉम रेजर्स लास्ट मैचों में विकेट लेते रहे पर यहाँ पर चांसेस हैं विकेट लेने के ठीक है फिर हम बात करते हैं यहाँ पर वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लो कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पावर प्ले डाटा से आप लोग क्या समझ रहे हो एक से ओवर के अंदर यहाँ पर मिनिमम दो से तीन विकेट जा रहे हैं पावर प्ले के अंदर बैटिंग बैटिंग फर्स्ट में में सेकंड तीन से चार देखने को मिल रहे हैं मैक्सिमम टाइम बाकी दो विकेट यहाँ पर मान सकते हो दो बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर विकेट देखने को नहीं मिला है सॉरी एक बार दोनों साइड से ठीक है देखो रन भी बनेगा मरते मरते यहाँ पर पहुंच जाएंगे एक सौ तक पर विकेट भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो काफी कॉन्फिडेंस वाला वेन्यू है देखो यहां से देखो डाटा को ही फॉलो करके बनाएंगे टीम पावर प्ले में विकेट देखने को मिल रहा है ठीक है ना तो टॉप्स का टिप्स दूंगा ना बैटिंग का टिप्स दूंगा पर यह है कि पावर प्ले में आप विकेट पे यहां पर बैटिंग लगा सकती हो जो बैट खेलता है ठीक है और सीने वही है ठीक है यहां से आप लोग ओपनर ड्रॉप करने में या नंबर तीन का बैट्समैन ठीक है मतलब टॉप फोर में से दो दो या तीन तीन बैट्समैन ड्रॉप करने का अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ से मिल रहा है और दोनों साइड ऐसे बॉलर है जो विकेट लेके जा सकते हैं ज़्यादा चांसेस पर्त के हैं यहाँ पे जो विकेट लेगी ठीक है पेसर्स आप लोग देख लीजिए कि, कि किस प्रकार से विकेट ले रहे हैं दोनों इनिंग्स में शानदार विकेट लेके जा रहे हैं पेसर्स ठीक है स्पिनर की बात करें क्वालिटी स्पिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ से ठीक है स्पिनर भी देखो पाँच विकेट चार विकेट इस प्रकार से विकेट लेके जा रहे हैं ठीक है फिर चलते हैं सीवीसी ट्रेंड्स की और इस वेन्यू के तो बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट में एक बार नजर डालो आप दोस्तों नंबर एक का कैप्टन नंबर एक का वी सी फास्टर कैप्टन फास्टर वी सी लास्ट के चार मैचों का तो ये है उससे पहले आप देखोगे फास्टर कैप्टन वोस कैप्टन फिर नंबर एक नंबर तीन का वी सी ठीक है पर ओवरऑल आप देखोगे ना फिर देखो बैटिंग सेकंड और बॉलिंग सेकंड में आप देखोगे ना फास्ट स्पिनर कैप्टन वोस कैप्टन मिल रहे हर मैच में ठीक है और आपका भाई आपको रिकमेंडेड करेगा यहाँ पे दोनों साइड से आप फास्टर को कैप्टन वॉइस कैप्टन बनाओ और मैं आपको शुरू दिन से बोल रहा हूँ कि देखो मैं चाहे लॉस जाऊँ चाहे विन जाऊँ मैं कैप्टन वॉइस कैप्टन पूरे बिग बैस में फास्टर को ही बनाऊंगा बहुत कम जगह ऐसा होगा जहाँ पर फास्टर को कैप्टन वॉइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा ठीक है और ज्यादा से ज्यादा टीम बनाओ ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाओ बिग बैस के अंदर चांसेस रहेंगे जीतने के आपके बहुत ज़्यादा ठीक है चलो एक बार नजर डालते हैं क्यूटन डिकोक पर रिसेंट परफॉर्मेंस दस मैचों में एक सौ बत्तीस रन तेरह केवरे से रन बनाए ठीक है सिर्फ वर्ल्ड कप में इनकी एक फिफ्टी आई थी उसके बाद में इनका वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ एक ही फिफ्टी आई है इनके अभी तक ठीक है तो आज के मैच में चांसेस देखो कम लग रहे हैं बाकी सेब के रूप में आप ट्राई कर सकते हो और ऑस्ट्रेलिया पे देखें रिकॉर्ड तो नौ मैचों में दो सौ चालीस रन छब्बीस के एवरेज से सिर्फ एक ही फिफ्टी है सिर्फ नौ मैचों में ठीक है तो एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता जोस इंग्लिश नौ मैचों में दो सौ इकतीस रन अट्ठाइस के एवरेज जो एक अलग एस टूए में एक सौ बीस रन है एवरेज तीस का इनका ठीक है देखो जोश इंग्लिश यहाँ से क्यूंटन देखो रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ओनली एक ही फिफ्टी है लास्ट दस मैचों में ठीक है तो परफॉर्मेंस देगा या तो अगले मैच में देगा या उससे अगले मैच में देगा इस मैच में चांसेस कम लग रहे हैं मुझे तो बाकी सेफ के रूप में आप ट्राई कीजिए और जो कलर कब फर्स्ट मैच में आपको बता दिया था ठीक है अब ये देख लेंगे विकेट कीपर सेक्शन में कौन आएगा अब देखो एक बार नजर डालते हैं इसके बैटिंग सेक्शन में देखो बैटिंग सेक्शन में यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी भी बैट्समैन पे ठीक है सारे बैट्समैन मुझे ऐसे लग रहे हैं तो आप बस रोटेट करना है इनको बाकी जब टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे लाइव सेशन में तब विजन इलेवन और जो है ना सात चार का कॉम्बिनेशन और दस एक के कॉम्बिनेशन से टीम बना के आपको बता दूंगा और यही है थोड़ा फिक्स में टीम चलेगी आज मेरी वेन्यू रिकॉर्ड नौ मैचों में एवरेज तेईस का है एक रन बनाए एस टू तो एच में तीस के एवरेज से चार रन बनाए देखो अगर ओपनिंग आता है तब तो देखो रिस्क लूंगा अगर नीचे बैटिंग करने आएगा तो भाई ट्राई करूंगा लास्ट मैच में ही ना एक लाइनअप में एरोन फिंच को ओपनिंग दिखा रहे हैं एक लाइनअप में निक मेडिसन को दिखा रहे हैं मैंने आपको मैसेज भी किया था कि बैटिंग ऑर्डर में बहुत कंफ्यूजन है एस्टन एगर की बात करें बारह मैचों में दो सौ चार रन एवरेज बीस पॉइंट चालीस का है ठीक है अब देखो निक मेडिसन को मैंने इसीलिए दस टीम में ट्राई किया था क्योंकि वो नंबर चार पे आ रहा था मैं सोचा शुरुआत में विकेट जाएंगे

देखो इवेंट वेस्ट इंडीज प्लेयर है सॉरी प्लेयर है बाकी बिग बेस में देखोगे ना तो हिट और मिस टाइप से ही खेलता है ये बंदा ठीक है जेफरेस्टर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट मैच में पर ओवरऑल आप देखो टी ट्वेंटी में चौदह केवरेस्टर कल पता नहीं कैसे मार दिया स्टेफन की बात कर लेते हैं स्टेफन देखो स्टेफन एक मैच खेला है चौ रन बनाए रिसेंट परफॉर्मेंस हंडर्ड लीग खेल के आए आठ मीचों में उन्तीस के एवरेज से दो सौ आठ रन बढ़िया प्लेयर है दोस्तों एरोन फिंस और स्टेफन यहाँ से अच्छे लग रहे हैं मुझे ठीक है अब ये देखना है कि ये बैटिंग ऑर्डर कहाँ करने आ रहा है सोट डी समरी में आप एक बार नजर डालो दोस्तों एरोन फिंस बैटिंग फर्स्ट में स्ट्रगल करते हैं इस वेन्यू के ऊपर ठीक है और बैटिंग फर्स्ट में आज से स्ट्रगल है फर्थ स्कोर चर्च के ठीक है स्टेफन कि हम बात कर ले रहे हैं डिफरेंशियल डिफरेंसलिक हो सकता है लीग में बैटिंग ऑर्डर देख लेना एक बार कहा बैटिंग करने आ रहा है ओपनिंग आ रहा है ट्राई कर सकते हो आप डिफरेंशियल थोड़ा सा बाकी विकेट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में स्टेट्स की ओर चले निक मेडिसन की ओर बात कर लेते हैं देखो वेन्यू रिकॉर्ड देखो आप पांच मैचों में एवरेज ग्यारह का सत्तावन रन ठीक है और दो मैच खेला है एस टू तो एच में हाइएस्ट स्कोर सिक्सटी सेवन का सत्तर रन भरा है ठीक है तो एक मैच में तो तीन रन बना के आउट होया एरोन हार्डी की बात कर लेते हैं फिर हम एच टू एच में चार मैच खेला है पैंसठ रन तीन विकेट निकाला है सुथरलैंड की बात कर लेते हैं लास्ट मैच में मेगा आपको सरप्राइज कैप्टन वेस कैप्टन बनाया था वेनु रिकॉर्ड देखो पांच मैचों में ओनली दो ही विकेट है तीन बार विकेट ले पर रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है ठीक है और कैप्टन वेस कैप्टन तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ होगा आज के मैच में इनका छह मैचों में दो विकेट लिया एस टू एच में तीन बार विकेट लिया तो शोर्टलिस्ट समरी में एरोन हार्डी डब्ल्यू सुथरलैंड यहां से निकल के आ रहे हैं फिर हम बात करते हैं नोट में निक मेडिसन देखो वेरी इनकंसिस्टेंट प्लेयर है दोस्तों प्योर हिट और मिस टाइप का प्लेयर है दोस्तों चलेगा तो अच्छा पॉइंट देखे जाएगा अदरवाइज तो देखो आपको माइनस में भी देखे जा सकता है मतलब डक भी देखने को मिल सकता है आपको ठीक है फिर हम चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में जो रिचर्डसन काफी लोग इग्नोर करके आएंगे क्योंकि बड़े प्लेयर देखो आप बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर लेने के चक्कर में बॉलर्स को मिस मत कर देना बॉलर्स आपके लिए स्वेण्यू पर इंपोर्टेंट रहेंगे दो मैचों में चार विकेट इस टाइगरेट दस पॉइंट पचास का एच टू एच में सात मैचों में आठ विकेट है इस टाइगरेट बीस का है ठीक है एंड्रोटाइग दो मैचों में चार विकेट इस टाइगरेट दस का एच टू एच में तेरह मैचों में पंद्रह विकेट इस टाइगरेट अट्ठारह पॉइंट पाँच तीन का है ठीक है बारह मैचों में पंद्रह विकेट निकाले में सत्रह के देखो ये बॉलिंग करने कहा आता है बॉलिंग करने आएगा पावर प्ले में मतलब छह के अंदर अपने तीन ओवर डाल दे अगर इसको कैप्टन वर्स कैप्टन अगर बनाने का विचार आए मन में ठीक है तो प्योर आपको वहां पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप करना होगा रेनिगेट्स का मतलब मिनिमम चार विकेट आपको गंवाने होंगे तीन से चार मैथ्यू किली डेथ में डालता है ठीक है और मिडल ऑर्डर में डालेगा दो मैचों में चार विकेट स्टाइल रेट नौ का है H2H में आप देखोगे तीन मैचों में ओनली दो ही विकेट लिए हैं। की बात करें आठ मैचों में पांच विकेट है और की से वेन्यू का, का, का। मुजीबुर रहमान चार मैचों में ओनली छह विकेट है स्टाइर सोलह का एस टू एच के अंदर फिर हम बात करते हैं एडम चंपा की बारह मैचों में बारह विकेट निकाले स्टाइर तेईस पॉइंट छह सात का है ठीक है और रिसेंट बहुत ही शानदार चल रहा है दोस्तों टॉम रोजर्स दो मैचों में पांच विकेट है पर का, एस में, दो, दो विकेट निकाल रहे हैं टॉप डिफरेंशियल पिक एंड्रोड है टॉम रोजर्स है मैथ्यू कीली है ठीक है केन रिचर्डसन डिसेंट रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर बॉलिंग फर्स्ट में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्कोचर्स के ठीक है जोय रिचर्डसन और बेंड्रोफ टॉप न्यू बॉलर स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो इनका अहम रोल देखने को आपको मिलेगा एंड्रोटाइन बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा रिकॉर्ड है एस टू तो एच के अंदर भी ठीक है फिर हम चलते हैं कैप्टन वॉइस कैप्टन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के तो सेफ के रूप में डिकॉक और स्विथरलैंड है दोस्तों पूरी दुनिया इनको बना के आएगी जब भी ये खेलेंगे फिर हम बात करते हैं डिफरेंशियल एंड्रो एंडोटाइड रिस्की रहेगा केन फर्स्ट में जो सरप्राइज ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग कैप्टन वर्स कैप्टन आप लोग बना सकते हो अपनी टीम में यह है हमारा एनालिसिस आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टीम बनाने में काफी हेल्पफुल है ठीक है और इससे बेस्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको जिंदगी में कभी भी बाकी मिलते हैं लाइव सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत